एज ऑलवेज हैज़ बीन वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो उसको लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसे कुछ लोगों से जो खास लोग हैं की कैरेक्टर्स हैं। जी देखिए, ये इनिशिएटिव तो अब रह नहीं गया है, ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो चुकी है। इनिशिएटिव नहीं रह गया, ये अब बहुत बड़ी एक मुहिम हो चुकी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़बरदस्त कॉज है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, सबसे लार्जेस्ट सेक्शन मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में इस देश की जान बसती है, और हमारे मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लोअर मिडिल क्लास में या गरीब परिवारों में भी कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो ऐसी बच्चियों को जो आगे पढ़ना चाहती हैं बट उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी बच्चों के लिए जो शशि और अनु ने ये मुहिम शुरू की है और इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हैं वो लोग और इतनी बच्चियों को मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा काम है देश की बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मौका देने के लिए, प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शो की मैं बात करूँ, ये हफ्ता कैसा लगा? इट वाज अ वनराज शो दिस वीक। रियली? या इट वाज। एंड आगे वाले हफ्ते में किस तरह के चेंजेस नजर आएगा? सो वनराज शाह एज ऑलवेज हैज़ बीन वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल, ऑलवेज बीन वेरी एजी, समटाइम्स वेन ही इज़ वेरी वेरी नाइस ऑल्सो पीपल गेट स्केयर्ड कि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। सो वनराज इज़ सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज ही इज़ नेवर प्रडिक्टेबल, कब क्या कर जाएगा वो पता नहीं रहता, बट एट हार्ट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर। सो अभी आजकल एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा गिल्ट रिडन भी था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो उसको लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसे कुछ लोगों से जो खास लोग हैं की कैरेक्टर्स हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने वो भी किया, एंड अभी शायद थोड़ा सा रिडेम्पशन होगा और उसके बाद आगे वनराज क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता, ये शायद राइटर्स को पता हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।